विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विशेष प्रेक्षक विपिन शंकर राव अहिरे व विशेष सामान्य प्रेक्षक अजय वी नायक ने छठे चरण में मतदान होने वाले जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि छठवें चरण के मतदान को देखते हुए सभी जिलों के साथ विशेष पुलिस प्रेक्षक विपिन शंकर राव अहिरे व विशेष सामान्य प्रेक्षक अजय वी नायक ने सभी प्रेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की और उसके बाद सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी मंडलायुक्त व एसएसपी के साथ बैठक की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 3 मार्च को होने वाले मतदान को सकुशल संपन्न कराया जाए, जिसका प्रस्तुतीकरण प्रेक्षक के समक्ष किया गया। उन्होंने कहा पुलिस व्यवस्था व प्रशासन की व्यवस्था के साथ मतदान को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार, एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, वेलकम टू दिस बोथ ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ 1984 बैच। आई एम फ्रॉम बिहार कैडर, रिटायर्ड इन 2018। सो basically we are here to know each other and we are very very happy with the way elections have been conducted here. I think it's necessary that we get to know each other better so that we can coordinate on the day of poll as how to go about, actually some like the supervisors to the observers kind of thing. So whatever incident happens and all that, is made available to us. And then normally that's the way we operate. आज छठवें चरण के सभी जिलों के साथ और जिसमें गोरखपुर भी सम्मिलित है, माननीय विशेष पुलिस प्रेक्षक महोदय, विशेष सामान्य प्रेक्षक महोदय जो आयोग के तरफ से यहाँ पे पधारे हुए हैं और यहाँ 4 दिन लगातार रहेंगे, उनके द्वारा पहले सभी प्रेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक ली गई और फिर सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सभी मंडल के अधिकारियों से साथ भी बैठक ली गई और निर्देशित किया गया माननीय आयोग के सभी निर्देशों का 100% पालन करते हुए सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है और सारी तैयारियों के जायज़ा लिया गया है और हम लोगों ने अपने प्रस्तुतिकरण भी किया है पूरी व्यवस्था के साथ, एक सुगम व्यवस्था के साथ। भारी मात्रा में जो फोर्स तैनात की गई है उनके तत्वाधान में ये सकुशल इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा।